यहाँ के जो सांसद है वो भी हैं, उनसे हम बात करते हैं जो यहाँ पर पहुंचे। धीरे धीरे सभी जो नेता हैं, जो सरकार के वरिष्ठ लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं जेपी। तो हम बात करने की कोशिश करेंगे, वो यहाँ पर हैं। तो जो तैयारियां हैं वो यहाँ के जो सांसद हैं उनसे बात करते हैं। पूरी सरकार चित्रकूट भगवान राम की तपोभूमि पर, बड़ा मैसेज। देखिए, ये मेरी लोकसभा का सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि हमारे भगवान कामतानाथ जी की तपोस्थली, भगवान राम की तपोस्थली, जहां वनवास में 12 साल भगवान राम यहां पर रहे, ऐसे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय ये कार्यशाला, कामतगिरी की परिक्रमा, फिर मंदाकिनी माँ की आरती, एक विशेष मैसेज। 14 में आपने यहाँ प्रशिक्षण शुरू किया था, तब से लगातार जीत रहे हैं, एक शुभ मानते हैं क्या इसको, क्योंकि अयोध्या में राम और यहाँ राम की तपोभूमि। देखिए, पैदा जरूर भगवान राम अयोध्या में हुए, लेकिन 12 साल यहाँ से तपस्या करके तब भगवान राम जब लौटे तो वो भगवान बन गए लौटे, यहीं से रामचरितमानस निकला। तो यहाँ से तुलसीदास जी की जन्मस्थली है, महर्षि वाल्मीकि की जन्मस्थली है, महर्षि वाल्मीकि जी का स्थान है। तो ऐसे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय जो हमारा शिविर है, कार्यशाला है, उसमें हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, सभी संगठन के पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष जी सहित, और कल माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यहाँ पर आगमन। से क्या निकाल रहे हैं आप लोग इस मंथन से? केशव मौर्य ने कहा कि इस मंथन से कमल में माता लक्ष्मी सवार होकर निकलेंगे। वो तो सही कहा है उन्होंने कि यहाँ से इस मंथन से माता लक्ष्मी यहाँ से सवार होकर के सती अनसुईया जी का स्थान है। ये माता सती अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बनकर के लाल रंग, तो ये तो ऐसे स्थान है, यहाँ से तो पूरा कमल निकल करके ही गया है, फिर निकलेगा। चित्रकूट के सांसद है।